हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब वो टॉक्सिन्स जो न्यूरॉन्स को हार्म करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम कौन से टॉक्सिन्स पढ़ने वाले हैं? डेंड्रोटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन एंड टेट्रोडोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये किसको इनहिबिट करेंगे? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच विल इनहिबिट द सोडियम एंड पोटेशियम क्या चैनल को, ठीक है। अगर सोडियम पोटेशियम चैनल हो जाता है ब्लॉक तो क्या करेगा, मतलब काफ़ी बोल सकते हैं कि सेल को डैमेज होने वाला है, सेल मतलब इट विल लीड्स टू द डेथ, ठीक है। तो डेंड्रोटॉक्सिन काफ़ी एक हार्मफुल जो टॉक्सिन है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डेंड्रोएप्सिस पोलीलेप्सिस। इट इज़ एन मांबा स्नैक, ठीक है। मांबा स्नैक है जो क्या करेगा, मतलब टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा। इट विल बाइंड विद द पोटेशियम चैनल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉक्सिन कौन से चैनल को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा टॉक्सिन कौन से चैनल को ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे डेंड्रोटॉक्सिन विल ब्लॉक द पोटेशियम चैनल, ठीक है। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा मेरे पास, मतलब मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो काफ़ी मतलब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक टाइप से क्या होगा, अगर पोटेशियम इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑल द जो बोल सकते हैं कि सेल की एक्टिविटीज़ के लिए या फिर मतलब बहुत सारी काम है पोटेशियम चैनल के, ठीक है, पोटेशियम के, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय डाइनोफ्लेजलेट, ठीक है। कौन सा? गोनियोलेक्स कैटेनिला, ठीक है। तो सेक्सीटॉक्सिन डाइनोफ्लेजलेट से प्रोड्यूस होगा। इट विल ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये भी क्या होगा? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉक्सिन कौन से चैनल को ब्लॉक कर रहा है। तो सेक्सीटॉक्सिन विल ब्लॉक द सोडियम चैनल। नेक्स्ट है टेट्रोडोटॉक्सिन। टेट्रोडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द पफर फिश, इसको हम बोल सकते हैं कि स्वेल फिश भी, ठीक है। देन क्या है, इट विल बाइंड टू द, या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक किसको, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा एंड कॉज द पैरालिसिस। हम बोल सकते हैं कि ये जो सारे टॉक्सिन्स है इट विल लीड्स टू द क्या, किसको, मतलब पैरालिसिस कॉज करेंगे, ठीक है। पैरालिसिस का मतलब क्या है कि मतलब सेल्स क्या है अपनी काम करना बंद कर देती है। अगर काम करना बंद कर देगी कि पैरालिसिस मतलब कोई भी कहीं भी टच हो सेल को पता ही नहीं चलेगा, मतलब सेंसलेस हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स सेल को ही ये क्या करेंगे, डैमेज करते हैं, ठीक है। अटैक टू द न्यूरॉन्स सेल्स। अब हाँ, इनमें से कुछ भी मतलब टॉक्सिन्स है जो मसल सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मसल सेल्स को भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ क्या है, मतलब टॉक्सिन हमने सुना होगा कि अगर सांप काट ले किसी को तो क्या पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब इसका एक यूज़ भी है, इट विल यूज़ इन पेन रिलीफ, ठीक है। तो टेट्रोटॉक्सिन विल ऑल्सो यूज़ इन द पेन रिलीफ, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ न्यूरोटॉक्सिन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।